तो आज हम देखेंगे कि अटेंडेंस शीट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस किस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम दो चीज़ सीखेंगे, एक तो सीखेंगे डेटा वैलिडेशन, दूसरी चीज़ सीखेंगे इसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और तीसरा सीख देखेंगे इनको कैलकुलेट करना। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट के नाम लिख दिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रान, लिख दिया अदील, लिख दिया अमान, लिख दिया और बिलावल लिख दिया। ये स्टूडेंट्स के हमने नाम इनपुट कर दिया। अब लाजमी बात है कि इसके अंदर इसकी प्रेजेंट एब्सेंट लीव के ही हमें ऑप्शंस को देखना है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं पी, एब्सेंट के लिए ए, और लीव के लिए एल, और हॉलीडे के लिए हम यूज़ करेंगे एच, और संडे के लिए यूज़ करेंगे एस। ठीक है, तो ये कुछ हम इसके अंदर कंट्रोल्स यूज करने वाले हैं। ओके, लेकिन ये कंट्रोल जो हम लिख रहे हैं, इन कंट्रोल्स में गलती भी तो हो सकती है, कोई पी की जगह पे वी भी तो लिख सकता है। तो पहली तो चीज इसको सीखेंगे, डेटा को वैलिड इंटर करना, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जो भी डेटा इसके अंदर इंटर करे वो टाइप ना करे, वो सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर ले, ताकि डेटा गलत इंटर हो ही ना सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके जितने हिस्से को हमें कंट्रोल करना है उतने हिस्से को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद डेटा में जाएंगे, और डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, सही है। और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट को, ठीक है। लिस्ट के बाद सेलेक्ट करके यहाँ सोर्स में लिखेंगे P फॉर प्रेजेंट, कॉमा A फॉर एब्सेंट, कॉमा L फॉर लीव, कॉमा H फॉर हॉलीडे, कॉमा S फॉर संडे, ठीक है। ये जैसे ही आप वैल्यूज में पुट करेंगे और ओके करेंगे, तो ये सारे सेल जो आपने सेलेक्ट किए हैं ये इसके साथ बाउंड हो जाएंगे, जो भी कॉमा के साथ आपने वैल्यू करी। देखें, अब जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट बॉक्स यहाँ पे नजर आएगा, प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलीडे एंड संडे। और कोई इससे हटके अगर वैल्यू पुट भी की जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी लिख दिया जाता है और इंटर करते हैं, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो इस तरह आप डेटा वैलिडेशन के जरिए अपने सेल्स को बाउंड कर देंगे और डेटा को सही तरह ही इंटर करवा सकेंगे, गलत इंट्री का अब इम्कान ही नहीं रहेगा, तो इसलिए डेटा गलत इंटर ही नहीं हो सकेगा। अब अगर ये वैलिडेशन रूल खत्म करना हो तो क्या करेंगे, जिस तरह आपने अप्लाई किया था दोबारा से वो सारे सेल सेलेक्ट करेंगे जिन पर आपने ये अप्लाई किया था, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, और यहां से क्या कर देंगे, क्लियर ऑल। जैसे क्लियर ऑल करेंगे और ओके कर देंगे, तो अब ये दोबारा से अनबाउंड हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गए। तो मैं इसको दोबारा से डेटा वैलिडेशन लगा देता हूं, P, A, L, H, S, ठीक है, ओके कर लिया। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इंसान जब किसी चीज को देख रहा होता है आंख, और वो सारी चीज एक ही कलर पे हो रही होती है, तो इंसान को डिफरेंशिएट करने में जरा प्रॉब्लम होता है। मतलब अभी आपसे मैं कहूँ कि इसमें काउंट करें कितने प्रेजेंट कितने एब्सेंट हैं, तो जरा आपको देखने में प्रॉब्लम भी होगा और आपको उस पर काउंटिंग में मसला होगा। हालांकि काउंटिंग भी हम इससे ही करवा लेंगे, लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है होम में जाके, जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, अब ये क्या करेगा, हम इसको सेलेक्ट करते हैं जितने सेल्स पर हमें ये रूल अप्लाई करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल, और यहाँ पे कहेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, कहां गया हूं, होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, उसके अंदर कहां गया हूं, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब इसमें क्या है, इसमें हम बताएंगे किस सिचुएशन में क्या फॉर्मेट रखना है। तो एक्सेल उस सिचुएशन में, उस हालत में वो वाला फॉर्मेट दे देगा, फॉर्मेट का मतलब फॉन्ट साइज, कलर वगैरह। तो हम कह रहे हैं जब भी किसी सेल में जो हमने सेलेक्ट किए, जिस किसी सेल में पी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, पी, मैंने इनपुट दिया है क्या, पी, तो उस सेल का कलर जो है तुम क्या कर देना, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके करेंगे। देखें जितनी जगह पी लिखा था हो गया। सिमिलरली उसी सिलेक्शन के अंदर दोबारा से ये वाला रूल लेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट ए, अगर उसी सेल में कहीं पे ए लिखा जाएगा तो आप क्या कर देंगे, लाइट रेड विथ डार्क टेक्स्ट, ओके। तो जहां जहां ए लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, डार्क मोड में आ जाएगा। सिमिलरली टेक्स्ट दैट कंटेंट तीसरे के लिए आप बताएंगे एल के लिए, तो हम कह देते हैं येलो विथ डार्क टेक्स्ट। सिमिलरली चौथे के लिए हम बताते हैं टेक्स्ट एट कंटेंट एच। अब एच के लिए हम क्या कह रहे हैं, कस्टम फॉर्मेट, मतलब मुझे यहां पे जो तुम्हारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट है उसमें से नहीं, अलग से चाहिए। उसमें मैंने कह दिया लाइट ब्लू, ओके।
फिर चौथे के लिए टेक्स्ट दैट कंटेंट एस, उसके लिए मैंने कस्टम फॉर्मेट किया, और उसके लिए मैंने लाइट ग्रे लेके उसके ऊपर डार्क थोड़ा डार्क ग्रे लिया, और फॉन्ट का कलर भी यहां से मैंने उसके ऊपर व्हाइट कर दिया, और ओके करके ओके कर दिया। ठीक है, अब ये रूल सब पे अप्लाई कर दिया आपने। अब आए चेक करते हैं, इस सेल में मैं ले रहा हूं पी ए, तो कैसा हो गया, रेड ग्रीन येलो ब्लू ग्रे, सही है। तो जो एंट्री आप जहां लेंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पर उसको प्रेजेंट करता जाएगा, और अगर एब्सेंट है तो वो रेड करता जाएगा, और अगर लीव पर है वो येलो करता जाएगा। इस तरह इसकी विजुअलाइजेशन आपके लिए आसान हो जाएगी, और आपको क्लियर रहेगा, किसी को भी समझा देंगे भाई जो ग्रीन वाले सारे प्रेजेंट हैं, जो सारे रेड वाले हैं वो सारे एब्सेंट हैं, तो देखने वाला भी इसके विजुअलाइजेशन पे काफी अच्छे इंपैक्ट पड़ेंगे, और शीट का जो व्यू है काफी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे इंपैक्ट की तरफ। अच्छा, अब ये रूल खत्म कैसे होंगे, खत्म करने का आसान तरीका यही है कि जितने हिस्से पे अप्लाई किया है उसको दोबारा सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, जहां से आपने अप्लाई किया था यहां से उसी के नीचे आएंगे, यहां लिखा हुआ क्लियर रूल्स, यहां पे दो ऑप्शन है, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर फ्रॉम इंटायर शीट। सिलेक्टेड सेल का मतलब जितना हिस्सा सिलेक्ट है उस पर से खत्म होगा रूल, और इंटायर शीट पे करेंगे तो जहां जहां भी लगा हुआ होगा सब पे से ही रिमूव हो जाएगा, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब तीसरा हिस्सा इसका ये है कि भाई यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली काउंट कर ले कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, और कितने लीव पर हैं, सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें यहां पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये देखिए ये आ जाए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पहला प्रेजेंट पहली तारीख से, और ये पहले स्टूडेंट का प्रेजेंट वाला सेल, सही दिख रहा है सबको, ठीक है। अब यहां पे क्लिक करके हम एक फंक्शन लेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, और फॉर्मूला में जाके आएंगे मोर फंक्शंस में, मोर फंक्शंस में आने के बाद आएंगे स्टैटिस्टिकल में, और यहां से एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा काउंट इफ, नोट कर लें, फॉर्मूला टैब, मोर फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, और उसमें हमें क्या मिल रहा है यहां पे, काउंट फिटनी इफ, काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ। इस फंक्शन को आपने लॉन्च करना है, ये दो आर्ग्यूमेंट पूछेगा आपसे, क्या पूछ रहा है, ऐसे ऊपर रख लेंगे इसको, दो आर्ग्यूमेंट, पहला रेंज, जब भी रेंज लिखा हो इसका मतलब वो कलेक्शन की बात कर रहा है, एक से ज्यादा वैल्यूज, क्राइटेरिया इसका मतलब वो एक रेंज एक चीज की बात कर रहा है, एक सेल। अब रेंज में क्या बताएंगे, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस स्टूडेंट के मुझे प्रेजेंट काउंट करके दें, तो आप क्या करेंगे, आपका दिमाग ऐसे काम करेगा, आप यहां से लेके फर्स्ट डेट के पी से लेके 31 डेट तक के सेल को काउंट करेंगे, कितने 31, इसमें से काउंट करेंगे पी कितने 1 2 3 4 5 6, और वो काउंट करके यहां लिख देंगे, एक्सेल भी इसी करेगा, तो एक्सेल को हम बताएंगे तो करेगा ना। काउंट इफ रेंज, रेंज में हम बताएंगे कि भाई यहां से लेके सिलेक्ट करो यहां तक, तो इसने रेंज दे दी, मैग्नीफायर खोल देता हूं दिख जाएगा आपको सही तरीके से, तो देखें C6 से लेके AG6, C6 हमारा इनिशियल सेल है और AG6 हमारा लास्ट सेल है, ये पूरी एक रेंज डिफाइन हो गई, ठीक है, क्या डिफाइन हो गई, रेंज। इसमें से क्या काउंट करवाना चाह रहे हैं, क्राइटेरिया, वैसे मैं यहां पी लिख दूंगा तो देखें पी काउंट कर लेगा, लेकिन मुझे पी लिखना नहीं है, मुझे पी का रेफरेंस देना है ये रहा, ठीक है, पी का रेफरेंस देना है, ये लिखा हुआ पी कौन से सेल में लिखा है, AH5 में, AH5 में पी है, और C6 से लेके AG6 में उसको सर्च करना है, और काउंट करके लिख देना है कितनी बार पी आया है, 6 टाइम दिखा है, 6 टाइम ही आया, ओके कर दे, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहां नेक्स्ट पी इंटर करूंगा, तो देखें खुद ही काउंट करता जा रहा है प्रेजेंट्स, लेकिन अब यही स्टेप एब्सेंट के लिए करना होगा, यही स्टेप लीव के लिए करना होगा, और हर स्टूडेंट के लिए बार बार ये तीन स्टेप करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब इसका आसान हल क्या है, इसका आसान हल ये है कि पहले स्टेप में कुछ ऐसी चेंजेस कर दी जाए कि बाकी सारे खुद ही कैलकुलेट हो जाए। तो अब दोबारा जा रहे हैं फॉर्मूला में, मैथ एंड ट्रिक्स में, और यहां से जाके एक फंक्शन ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, सॉरी सम इफ में लेने के लिए मोर फंक्शन, स्टैटिस्टिकल में जा रहे हैं, और यहां से एक फंक्शन लेंगे जिसका नाम क्या है, काउंट, काउंट इफ। तो रेंज तो हम सही बता रहे हैं, और क्राइटेरिया भी हम सही बता रहे हैं, अब चेंजेस क्या करनी है, चेंजेस देखिए क्या करनी है, ये जो रेंज आपने बताई है
इस रेंज में जो सी है उससे पहले आप लगाएंगे डॉलर फिक्स करने के लिए, ताकि जब मैं आगे ड्रैग करूं तो वो अपना कॉलम चेंज ना करे। और इस तरह यहां पर भी लगाएंगे ए से पहले भी डॉलर, यानी कि दोनों सेल के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे डॉलर, ताकि दोनों की रेंज फिक्स हो जाए 1 to 31 की। अब कोई सेल अगर आगे ड्रैग कर रहा है तो ये आगे नहीं आ रहा और ये आगे नहीं जा रहा, ये अपनी जगह पे रहेंगे। अब आते हैं एज 5 पर, इसमें आपने क्या करना है, इसकी जो रो नंबर है 5 उससे पहले लगाना है डॉलर, क्योंकि जब हम नीचे ड्रैग करें तो वो अपना रो नंबर चेंज ना करे बल्कि उसी को हर किसी से चेक करता रहे प्रेजेंट एब्सेंट पर। और जैसे आप ये काम करने के बाद एंटर करेंगे और अब इसको यहां से पकड़ के ड्रैग करेंगे सीधे हाथ पर और फिर यहां से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो ये आपकी शीट डिजिटल बन चुकी है। अब आप भले चेक कर लें, देखिए मैं यहां पे यहां से एंट्री करता हूं प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, यहां पे करता हूं एब्सेंट लीव लीव, और यहां से लेता जाता हूं प्रेजेंट एब्सेंट लीव, ठीक है। और अब देखिए प्रेजेंट इसके 9 हो गए, एब्सेंट 1 है, इसको कन्वर्ट कर देता हूं एब्सेंट में, तो प्रेजेंट 8 हो गए एब्सेंट 2 हो गए, ऑटोमेटिकली अब ये काम करता रहेगा। और अब हमें इसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है कि हमारी अटेंडेंस शीट में किसी किस्म की गलती होगी, जहां पर आप प्रेजेंट लगाएंगे वहां प्रेजेंट काउंट करेगा, जहां पे एब्सेंट लगाएंगे एब्सेंट काउंट करेगा, प्रेजेंट का कलर पिंक ग्रीन कर देगा, एब्सेंट का कलर रेड कर देगा। अब प्रिंट आउट के लिए क्या करेंगे, सिंपली जैसे मैंने सिखाया इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे शीट को पूरी को जिसको प्रिंट आउट लेना है, जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे पेज लेआउट में जाएंगे प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया फाइल में जाएंगे, यहां से क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर तो ये पूरी शीट आपकी आ रही है, लेकिन इसमें एक पेज की सेटिंग थोड़ी सी रह गई थी, तो पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन करेंगे लैंडस्केप, मार्जिन्स को आप रखेंगे नैरो और फाइल में जाके आप कहेंगे प्रिंट, ये पूरी शीट आपकी इस पे आ रही है। थोड़ा सा एरिया इसका बाहर जा रहा है तो इसमें हम यहाँ आएंगे पेज लेआउट के ऊपर, जो एरिया बाहर जा रहा है तो उसके लिए पहले आप देखें लेफ्ट पर आपका मार्जिन का स्पेस है, अभी है स्पेस तो उसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, तो लेफ्ट मार्जिन को 0.25, राइट मार्जिन को 0.25, लेफ्ट राइट से सेंटर टॉप बॉटम से सेंटर, टॉप और बॉटम की वैल्यूज में टॉप को थोड़ा ज्यादा छोड़ेंगे 1.25 और बॉटम को छोड़ेंगे 0.25 और इसको ओके कर देंगे। इसके बावजूद भी यहाँ पे आधे से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहां से हम इसको स्केल करेंगे 70% पे सेट है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी स्पेस आपको रिक्वायर्ड है तो फिर आप आके थोड़ा सा इसका जो कॉलम की विड्थ है इनको थोड़ा सा कम कर लें। अभी इसकी कॉलम की विड्थ कितनी है, 8 है, तो हम कम करके इसको 6 कर लेते हैं तो ये कुछ एडजस्टेबल हो जाएगा। और 6 करने के बाद ये वाले जो कॉलम्स हैं इनको हमने उस पर रखा हुआ, ये वाला कॉलम थोड़ा और कम हो सकता है, तो अब देखें यहां पर जाके ये पूरा इसके अंदर एडजस्ट हो चुका होगा, सही है। अब आप पूरा प्रिंट आउट देख सकते हैं एक शीट के ऊपर, ये आ रहा है टॉप बॉटम सेंटर के ऊपर। अगर आप चाहते हैं ये टॉप से प्रिंट करें तो फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा यहाँ पर और मार्जिन्स पे कस्टम मार्जिन्स पर और फिर यहाँ जाके वर्टिकल से चेक हटा दें। आप लेफ्ट राइट से तो सेंटर में प्रिंट करेगा लेकिन टॉप बॉटम से टॉप से नीचे की तरफ ये बढ़ता हुआ आ जाएगा, ठीक है।